हेलो मेरे परदेशी भाइयों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्किल साइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सऊदी अरब में जियो सिम को चालू कराना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सऊदी में रहते हुए भी इंडिया जियो सिम को कैसे चालू करा सकते हैं, एक्टिवेट करा सकते हैं। बस इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को दबाकर आल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, इसके लिए आपको जियो के कस्टमर केयर के पास व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपको चैटिंग करना होगा जियो के कस्टमर केयर से। उसके बाद आपसे जियो कस्टमर केयर के तरफ से एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस प्रूफ करने के लिए आप अपने आधार कार्ड का 4 लास्ट डिजिट अंक को चैटिंग के द्वारा सेंड करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद फादर का नाम पूछा जाएगा। उसके बाद आप फादर का नाम इंटर करके सेंड करेंगे। उसके बाद आपके डिवाइस का मॉडल पूछा जाएगा, उसको आप सेंड करेंगे। उसके बाद आपका इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद जियो के तरफ से आपका इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं 15 मिनट के बाद। इसके लिए आप जियो के व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका व्हाट्सएप इंडिया के किसी भी नंबर से बना होना चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप जियो के सिम से बना होगा तो और अच्छा है। आप जियो के व्हाट्सएप नंबर को यहां से सेव कर सकते हैं। जियो के व्हाट्सएप नंबर को सेव करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप व्हाट्सएप नंबर को इंटर करके सेव कर सकते हैं और उसके बाद चैटिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। जियो के व्हाट्सएप नंबर को सेव करने का दूसरा तरीका भी है। उसके लिए आप फ़ोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जियो के व्हाट्सएप नंबर को इंटर करके सेव कर सकते हैं। इस तरह आप अपने जियो सिम को सऊदी अरब में चालू कराकर यूज कर सकते हैं। बैंक का OTP, मैसेज वगैरह मंगा सकते हैं। इस वीडियो की जानकारी आपके थोड़ी भी काम की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। जय हिंद।